आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में ऊपर नीचे के दायरे, थोड़ा बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट जो एक और परफॉर्मेंस अच्छे कारोबार में दिखा रही है। निफ्टी 19,550 के आसपास कारोबार करने की पूरी कोशिश कर रहा था कुछ, और उन लेवल्स के आसपास ही आकर अब ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने शुरुआत थोड़ी बेहतर होती हुई देखी थी। ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का होकर अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, तो एक वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिल रही है। डीएस हाई से तो डेफिनेटली मार्केट्स नीचे आए हैं। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली लाल निशान में कारोबार दिखाई देगा और ये एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि डेज लो पर ट्रेड कर रहा है 100 अंकों की कमजोरी के साथ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस जारी और यहां पर एक जोरदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं फटाफट से एनएससी स्टैट्स आज के कारोबार में। एनएससी स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ आपको पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है। 1504 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, 1372 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए अब तक के बाजार का कारोबार और रिमेनिंग सत्र के लिए स्ट्रैटेजी को समझेंगे। फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज, शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ जहां की शुरुआत कमजोर हुई है और फुटसी डैक्स और कैक तीनों ही गिरावट के साथ खुले हैं, 1% नीचे कर रहे हैं कारोबार। टिल 1% तक की कमजोरी यूरोपियन मार्केट्स में दिख रही है। एशियन मार्केट्स का हाल क्या है, यहां पर सिर्फ एक निकेई और ताइवान फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, बाकी बाजार लाल निशान में ही हैं और तमाम मार्केट में थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 114 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक का फ्यूचर 31 अंक नीचे, यानी 1/4% से ज़्यादा की गिरावट आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिली है। तो यानी क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से भी थोड़े खराब ही हैं। अब हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो दो दिन की तेजी के बाद बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया है, ऊपरी स्तरों से दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स, क्लोजर टू डेज लो इनफैक्ट कह सकते हैं। निफ्टी 19,550 के पास है, बैंक निफ्टी ऊंचाई से 250 गिरा है, 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड हाइस पर है। बाइंग है ऑयल एंड गैस, आईटी, हेल्थ केयर, केमिकल स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, ये तमाम पॉकेट से जो तेजी दिखा रही हैं। अगर कोई लेगार्ड है आज तो उसमें मेटल, पावर और बैंक स्टॉक्स हैं जो थोड़े से लेगार्ड्स हैं। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक नमस्कार, बताइए संकेत तो कमजोरी दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से भी, अमेरिका के फ्यूचर्स से भी, मार्केट भी जो सुबह की स्ट्रेंथ थी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? जी देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव ही है क्योंकि निफ्टी एक चैनल फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया और निफ्टी 19,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। बट इंट्राडे के लिए बात करें तो इंट्राडे में एक रेंज बना के रखे निफ्टी 19,500 और 19,600 का, एक पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग है, तो मेरे ख्याल से आज का दिन रेंज बाउंड ही रहेगा और अपसाइड में अगर 600 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म में फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो इंडेक्स पर आई हुई कुछ ट्रेड्स भी निकाले हैं क्या आपने? जी हाँ, आज तो पीएसयू स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिला, लेकिन आज मैं दूसरा स्टॉक चूज किया जो पीनपू नहीं है। स्टॉक का नाम है देवयानी। स्टॉक ने एक कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था, कुछ हफ्तों का जो कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 240 तक ट्राई कर सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉक इंडिकेट करना होगा 2082। ओके तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं रूपक की ओर से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो स्ट्रेंथ दिखाई रहा है कंसिस्टेंटली और डेज हाई से तो ये भी थोड़ा सा आपको हल्का होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है मिड कैप्स में। पॉकेट्स लेकर आते हैं अब आपके सामने और शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ क्योंकि पीएसयू स्पेस ऐसा है जहां पर लगातार हमने तेजी देखी है। बैंक स्टॉक्स लेकर आते हैं पहले, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक 6% तक ऊपर है आज के कारोबार में। सरकारी स्टॉक्स देखेंगे तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएचपीसी, जीएमडीसी, एमएमटीसी, एससीआई, आरएफसी, ये सभी जोरदार तेजी में है, 18% तक की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। सेहत सुधरी हुई है, हेल्थ केयर स्टॉक्स की भी, शेल्बी 6% ऊपर, स्पार्क 3% ऊपर है, लियोलैंड लैबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स में क्लोजर टू 3% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आईटी में भी खरीदारी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तानला प्लेटफॉर्म, साइंट, जेंसर टेक और साथ ही मास्टेक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 8% तक की तेजी स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। केमिकल शेयर्स देखेंगे तो आशापुर अमाइन कैम्स,
माधुरी स्पेशलिटी केमिकल, आरती सर्फेक्टेंट्स, जेमकॉन स्पेशलिटी 7% तक ऊपर आज के कारोबार में। टेक्सटाइल तो खबरों में है, ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर आए हैं स्टॉक्स और इसीलिए तेजी में है रेमंड, ऑल टाइम हाइस पर 10% की तेजी। बॉम्बे डाइंग 8% ऊपर है, ट्राइडेंट 5% ऊपर, अरविंद फैशन में भी 1% का उछाल है। रियल्टी में लोधा, ओबराय, गोदरेज और डीएलएफ ये भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी जो बायस है वो पॉजिटिव बना हुआ है और तेज़ी के साथ ही यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 5% की तेज़ी आपको लोधा में देखने को मिल रही है। रूपक से ले लेते हैं राय कुछ स्टॉक्स पे और जीएमडीसी पर एक राय लेंगे। हालांकि सरकारी स्पेस में आप कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे तो वो एक कंसिस्टेंट मूवर ही रहा है, लेकिन जीएमडीसी पिछले हफ्ते हमने वीकली टॉपिक्स के तौर पर स्टॉक पर चर्चा की थी और देखिए क्या रनअप इस स्टॉक का रहा है, काफ़ी शानदार मूव। इस स्टॉक पर राय क्या है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव, सब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं रूपक? जीएमडीसी का अगर मंथली चार्ट देखे तो स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया और डेली चार्ट में भी कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 286 तक जा सकता है और थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए मेरा टारगेट रहेगा 330 के ऊपर और इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 240 का स्टॉक में। ओके, तो 220 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है स्टॉक को, आप बने रहिए अपने इस पोजीशन में। तो स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं मिड कैप्स में जो ध्यान खींच रहे हैं, जहां पर एक अच्छी कंसिस्टेंट तेज़ी हम देख रहे हैं। बेयर क्रॉप साइंस का एक स्टॉक देखते हैं, यहां पर मजबूती तो सुबह से बनी हुई थी लेकिन अब एक एक्सटेंडेड मूव आया है और अब 11.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो शानदार मूव बेयर क्रॉप साइंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 5388 के मौजूदा लेवल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक क्विक क्रैक ले लेते हैं, उसके बाद यतिन से कुछ स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। देखिए बेयर क्रॉप साइंस डेज हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का अभी सपोर्ट है 5200 का, अगर 5200 हो तो ऊपर में 5660 तक जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रह रही बेयर क्रॉप साइंस पर, अब बात करेंगे उन दो स्टॉक्स की, लेकिन चले आगे बढ़ेंगे और मार्केट के एक्शन को एक बार देख लेते हैं फिर से और नज़र डालेंगे। अगर निफ्टी पर तो ये तो कोशिश कर रहा है 19550 के आसपास होल्ड करने की, प्रेशर अगर कहीं से आ रहा है तो वो है बैंक स्टॉक्स। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में ट्रेडिंग आइडियाज़ बने हुए। एक रह लेते हैं नज़ारा टेक पर, जो काफ़ी खबरों में बना हुआ है और काफ़ी शार्प रनअप इसने पिछले 5 सेशंस में दिखाया है, 900 पर आकर अब कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन नज़ारा टेक पर? नजारा टेक में स्ट्रेंथ बरकरार रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है डेली चार्ट में और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक 1050 to 1100 तक जाना चाहिए और जब तक नीचे 850 होल्ड कर रहे हैं तो 850 का स्टॉप लॉस में लॉन्ग पोजिशन होल्ड किया जा सकता है पर टारगेट ऑफ 1100। ओके, चलिए तो ये रहा नज़ारा टेक पर राय। अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच में कोटक सिक्योरिटीज़।